जीनो जीनो बेबी, जीनो बेबी कहाँ हो? क्या हुआ आरम, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? और ये क्या है हाँ, ये क्या है, क्या बेबी बेबी लगा के रखा है हाँ? What the hell, छोड़ो मुझे। ओके ओके काम डाउन बेबी, काम डाउन। सब मैं ये कह रहा था कि सब लोग हानवल से निकल चुके हैं सियोल के लिए। एंड शुगा ने मुझसे कहा कि हमारे लिए एक गुड न्यूज भी है। कौन सी? यही कि तेकुक के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्या? सच में? Oh my God! पर कैसे? क्या हुआ? But एक मिनट, उन सब ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, seriously? ओह गॉड जीनू, प्लीज शांत हो जाओ। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मुझे सिर्फ शुगा ने कॉल किया और मुझे कहा कि तेकुक के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया पहले जैसे, एंड कहा कि वो अभी थोड़ी देर में बस सियोल के लिए निकल जाएंगे, एंड वो सब लोग यहाँ पे आकर ही तेकुक के बीच क्या हुआ वो सब हमें बताएंगे। ओह माय गॉड, फाइनली। सब लोग आ गए हैं ना? ओके गुड, सो सब लोग एक एक करके वैनिटी के अंदर बैठ जाओ। ओके डॉक्टर जंकी। फिर सब लोग वैनिटी के अंदर बैठने लगते हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ पीछे वाले सीट पे बैठ जाओ। सॉरी बट मुझे आगे वाले सीट पे बैठना है। अब कोई नहीं, चलो हम आगे भी बैठ जाते हैं। ओके डॉक्टर सुबिन, ये कौन सा नया पंछी प्रकट हुआ है अपने ग्रुप में? कौन, वायन? हाँ यही लड़की। एक्चुअली वो हुआ क्या था ना डॉक्टर सैंडी, फिर सुबिन वायन के बारे में डॉक्टर सैंडी
सब कुछ बता देता है। ओ नो बिचारे, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, वो भी एक दिन में शादी से भागना, फिर किडनैप हो जाना सियोला के। ओ माय गॉड। हाँ ना बिचारी, बट देखो ना उसकी तरफ, वो कितनी ब्यूटीफुल है ना। ओ हाँ, पर देखो देखो मेरे फेस की तरफ देखो, क्या तुम्हें मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती? हाँ देखो 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 ना। हाँ नहीं लगती है, आंखें होगी तब दिखेगा ना तुझे। हुस्न के परी को तू ना कह रहा है, तुम्हारी ये दो आंखों के अंदर जो पुतलियां है उनकी बैटरी डाउन हो गई है, तो जाके चार्जिंग करवा उसको। ठीक है ये वायन है, लेकिन अभी जो हुआ वो क्या था? अरे वो तो
खुद को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही थी एंड हाय हेलो कर रही थी बस। पर तुम हो कौन बेटा और कहाँ से आई हो? वो एक्चुअली आंटी, फिर वायन फिर से अपनी दुख भरी कहानी बताना स्टार्ट करती है जिसे सुनकर जेन एंड आरएम शॉक्ड हो जाते हैं। क्या डिस्टर्ब किया यहाँ पे आके? ओह कम ऑन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे रह सकती हो जब तक तुम्हें रहना है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। पापा वायन यहाँ पे रहने वाली है। एक्सक्यूज मी, इसमें तू इतना क्यों खुश हो रहा है? बाबा वो मैं ऐसे ही। ये होबी को क्या हो गया है आज? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? जब से आया है तब से स्माइल किए जा रहे पागलों जैसे। थोड़ी देर रेस्ट करो ओके? हो भी जाओ, जाके वैन को उसका रूम दिखा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो वैन मेरे साथ। हाँ ओके। फिर वैन एंड जेहोप चले जाते हैं वहाँ से। परफेक्ट, अब तो वैन भी चली गई है अपने रूम में। अब मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ और कैसे हुआ? अचानक से सब कुछ ठीक कैसे हो गया टेकू के बीच में? मुझे जानना है अभी अभी अभी। चिल्लाना बंद कर जिनबेब, आसपास के बेचारे जानवरों को मारना चाहती है क्या अपने बेसुरीले रैप से? शुगा के थॉट्स तो बिल्कुल मुझसे मैच करते हैं। ए तू पिद्दी भर का शुगा। मम्मी मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ सब कुछ। आप शांत हो जाओ प्लीज। हाँ बक जल्दी। हाँ तो हुआ यू की फिर जंग को खानवल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। सब बताता है लाइक मीनू ने क्या किया और उस लेटर को कैसे एक्सचेंज किया, जिसको सुनकर आरएम एंड जिन शॉक्ड हो जाते हैं। क्या वो गिदड़ जैसे सोच वाला आदमी जीनू द जीनू के होने वाले बहू पे अपनी गंदी नजर रखता था और प्यार भी करता था, हिम्मत कैसे हुई उस साइको आदमी की? हाँ जब जीनू चिल्ला रही होती है तभी जब आ जाता है उसकी वॉइस सुन के। ए जीनू बेब अपना रैप थोड़ा कम कर। हाँ और उसको क्या पता था कि तय इन फ्यूचर में द वर्ल्ड वाइड हैंडसम जीनू बेब की होने वाली बहू बनेगी? ये तो आंटी बिल्ली ने बिल्कुल सही कहा। बे बिल्ला बोलना जरूरी था क्या टकली मंजुली का? ऐसे घुसड़ मारूंगा ना शुगा कि पूरी हवा फूस हो जाएंगी। तू मारेगा मुझे, मुझे मारेगा तू। ए तू ए चुप कर तुम दोनों। अगर तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं मेरी पिंक स्लीपर फेंक के मारूंगी तुम दोनों के फेस पे। पर ये मीनू गया कहा? दुम दबा के भाग गया यहाँ से और पता नहीं अब कहाँ पे छुपा हुआ है। बस एक बार मेरे सामने आ जाए फिर मैं उसका ऐसा हाल करूँगा कि उसकी रूह कांप जाए। मौत के लिए वो भीख मांगे मेरे सामने लेकिन उसको मौत भी नसीब नहीं होंगी। जब तक मैं ना चाहूँगा तब तक। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।